तो हेलो एवरीवन। तो आज ना मैं आपको मेरे इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड पर जो चेसनट की तरफ से है उसके ऊपर मैं आपको गेम खेल का दिखाने वाला हूँ कि ऑन द बोर्ड आप chess.com से कनेक्ट करके किस तरह से ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी ओपोनेंट के। तो ये अभी आप लोग देखो, अभी देखो इसमें एक चीज है कि मुझे टाइमर नहीं पता चलेगा कि ओपोनेंट के पास कितना टाइमर है। जो भी आपको मूव्स है वो बोर्ड पर दिख जाएंगे, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड किया हुआ है इधर। तो चलो देखते हैं डायरेक्टली जो भी गेम होगा। अभी मैं इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 मिनट का गेम मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। देखते हैं मुझे व्हाइट मिलता है या ब्लैक मिलता है। ओके, तो मुझे ब्लैक मिला है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अभी इस बोर्ड को कर दूंगा टर्न। तो बोर्ड को मैंने कर दिया है अच्छे से टर्न। तो अब जो भी मूव ओपोनेंट खेलेगा वो आप देख सकते हो कि मुझे लाइट्स के थ्रू पता चल जाएगा। पहले मैं सारे पीसेस एक बार एडजस्ट कर लूं। ओके, तो मैं यहाँ खेलूंगा, मैं भी नाइट नाइट खेल बेस्ट मूव। तो फर्स्ट मूव फास्ट खेलना जरूरी है, नहीं तो आपको पता है गेम अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो C4 खेला उसने, शायद इंग्लिश ओपनिंग की तरफ ये गेम जा सकता है, कहीं भी जा सकता है गेम, देखते हैं। D4 अगर वो खेलता है तो चेंज हो जाएगा लाइन। यस, ये है बोगो इंडियन डिफेंस। ठीक है, तो ये बोगो इंडियन की तरफ चला गया है, चेक देते हैं। तो एक टुक करके आवाज आती है इसमें, बहुत ही बढ़िया है वो भी चीज। देखो अभी आप देखा, ये टुक करके आवाज आती है बढ़िया से। चलो अभी देखते हैं, इसमें बढ़िया हो जाता है कि हम लोग इजीली प्रैक्टिस कर पाते हैं, ऑन द बोर्ड आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो अगर आप टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप ये खेलो। ठीक है, चलो अभी मुझे थोड़ा सा बस फास्ट खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ना, मुझे ओपोनेंट के भी मूव्स करने हैं, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं टाइम में कहीं ना कहीं लैग करूं। अभी जो भी होगा, जैसे विन होगा लॉस होगा, वो आगे आपको दिख ही जाएगा। अभी मैं जैसे देख लेता हूँ एक बार मेरे ओपोनेंट का जो मैं रेटिंग देख पा रहा हूँ। ओके, वाओ, बहुत ही हाई रेटेड ओपोनेंट मुझे लगा हुआ है, 2177। बाकी मुझे उसके मूव्स यहाँ नहीं दिख रहे, मैंने आपके लिए वर्चुअल स्क्रीन जो है एक यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐड कर दिया है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने सिर्फ ओपोनेंट का रेटिंग देख लिया। बाकी जो भी मूव्स होंगे वो मुझे इधर दिखने वाले हैं। ठीक है, चलो नाइट का मूव, अगर मैं कुछ इलीगल करता हूँ ना तो ये भी मुझे बता देगा। जैसे ये, अब मैं अगर इसको उठा के इसको ऐसे मार दूं तो ये मुझे रेड रेड दिखाता रहेगा, मतलब इसका मतलब है कि भाई तुमने इलीगल किया है, कि भाई ऐसा कोई भी मूव उठा के मत करो, ये गलत बात है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ पॉन पुश, तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था ऑब्वियसली, लाइक मुझे पता था कि इलीगल ही है वो। रुक मूव, अब देखो इस बिशप के लिए मेरे पास यहाँ डायगोनल ओपन नहीं है, तो मैं नाइट को हटा के बिशप को यहाँ से लेकर आना चाहता हूँ, ये मेरा प्लान है। देखते हैं, उस खेला रूक नाइट, पीछे खेलते हैं। ओके, वो भी नाइट खेल रहा है, वाओ। ओप्स, चलो बिशप, बिशप से मैं डायरेक्ट पिन करने के लिए नहीं जाऊंगा, जा भी सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, पहले रखते हैं बिशप को थोड़ा टाइम, मैं क्वीन बिशप का बैटरी बनाना चाहता हूँ, वो मेरा प्लान है। शायद मेरे ओपोनेंट को समझ आएगा नहीं आएगा वो तो बाद में वाली बात है, मुझे अच्छे मूव्स के साथ कंटिन्यू करना है। मैं खेलता हूँ ना A5, तो पॉन पुश करना रहेगा मोस्टली, हायर चांसेस वही है, बट फिर वही बात है, फिर मैं पॉन टेक्स अगर कर लेता हूँ तो फिर वो ओपन हो जाएगा। चलो क्वीन मूव, अब देखो ये है पूरा का पूरा क्लोज्ड पोजीशन, जो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, वर्चुअल जो मैंने ऑन किया हुआ है उसके ऊपर। तो क्लोज्ड पोजीशन में बेस्ट होता है कि आपके पास में नाइट्स होने चाहिए, बिशप से ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नाइट्स का रहेगा, लेकिन वो फिर भी बिशप्स को एक्सचेंज नहीं करना चाहता है मेरा ओपोनेंट, पता नहीं क्यों। ये मेरे पास प्लान है कि मैं, हाँ मैं बिशप तो खेल भी सकता हूँ, बट F4 खेल कर अगर कभी F4 मूव आया तो फिर वो ओपन करते हैं, मार दे भाई, बिशप मारेगा ना, आई एम ओके, दिया मैंने भाई बिशप, क्योंकि उसके पास कौन सा बिशप पेयर तो नहीं हो रहा है, बिशप दे रहा हूँ मैं। अब देखते हो क्या खेलेगा, मोस्टली वो बिशप खेलकर मेरे क्वीन को पुश बैक करेगा एज एक्सपेक्टेड। क्वीन आ जाओ भाई पीछे, F5 ब्रेक उसको करना है,
उसके अलावा वो खेल भी कह सकता है, तो कोई ऐसा प्रॉपर मूव तो उसके पास वैसे भी नहीं है ना अभी। मैं कहता हूँ नाइट को पीछे, नाइट्स का एक्सचेंज मुझे अभी यहाँ पर करवाना है, देखते हैं क्या होगा। ओ बिशप खेला उसने, मैं नाइट को तो फिर भी मार ही सकता हूँ। किससे मारेगा वो, बिशप से मारेगा क्या? गुड गुड, ये ले, क्वीन बचाना इंपॉर्टेंट था, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि क्वीन पर अटैक था, बता भी देता हूँ। अभी एक ही प्रॉब्लम इसमें ये है, वो है टाइम। मुझे टाइम को ना अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेज नहीं किया तो मुझे प्रॉब्लम हो। मुझे पता है अब ये पॉन हैंगिंग है, क्वीन प्रेशर है, तो सीधा तो बचाऊंगा पहले। किंग का मूवमेंट समझ गया मैं, रीजन रुक्स को गेम में लाना है अभी, मुझे भी जरूरी। अब मैं इस स्क्वायर पर भी मेरे नाइट को सेटल कर सकता हूँ, ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे रुक भी खेलना है, वो अमेजिंग रहेगा। अभी मैं भी ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक करने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ, और आई थिंक मुझे ब्रेक करना भी इम्पोर्टेंट है। चलो उसके क्वीन को थोड़ा सा ऐसे ही परेशान करते हैं, क्वीन को परेशान करने में। ठीक है, क्वीन गई पीछे, पॉन पुश। पॉन पुश के दो रीजन है, एक तो मुझे नाइट को यहां पर भी मैं ला सकता हूँ, यहाँ यहाँ नो, अरे नाइट को इधर सेटल कर दूं, बहुत ऑप्शंस है मेरे पास। काम करता हूँ, इधर ही रखता हूँ ताकि थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहिए। एक्टिविटी अगर चले गई ना पीसेस की तो फिर हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ रख देता हूँ ताकि इस पॉन पर प्रेशर रहेगा हमेशा, परमानेंट। अब उसने A4 पुश करके गलती कर दी है मेरे हिसाब से। यहाँ ओके, पॉन पुश, मैं तो ओके ही हूँ ना। टेक, तो कौन सी मारना है? टुक विद पॉन, गुड 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 गुड। नाइट A4 पॉन पर और उस पॉन पर, दोनों पर एक साथ प्रेशर। पॉन पुश, ये भाई करो तुम पॉन पुश विद, मैं वो पॉन फ्री में मिल रहा है ना मुझे, तो पहले मारते हैं ना हम, थोड़ा टेंशन लेना है। आएगा क्या इधर? ठीक है ओके, सिंपली मैं क्वीन हटा दूं तो कैसा रहेगा? क्वीन अगर मैं हटाऊं, अब देखो प्रॉब्लम इज पॉन टेक्स और फिर ये पूरा का पूरा अटैक है। कोई नहीं, सेटल डाउन, सब सेटल डाउन कर भाई, पॉन टेक्स करना है तो पॉन टेक्स पे, क्योंकि मेरे पास मूव है क्वीन टेक्स। आप बोलोगे क्वीन दे दिया, नहीं, ये है एक्सचेंज ऑफ रूक एंड क्वींस। और अगर मेरा पोजीशन बेटर है तो मैं क्यों एक्सचेंज ना, बिल्कुल मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। हो गया सब कुछ एक्सचेंज। अब मुझे इम्पोर्टेंट है रूक को एक्टिवेट करना, मुझे रूक यहाँ चाहिए, वो वहाँ कैसे आएगा वो मुझे सोचना है। तो ओके, मे बी वो रुक को यहाँ लेकर आए, मुझे रुक से इस पॉन को डिफेंड करना है पहले। किंग एक्टिव ओके, आप देख सकते हो कि इस बोर्ड पे ना खेलना बहुत इजी है, क्योंकि ऑनलाइन में शायद मैं उतने ट्रिक्स ना देख पाऊँ, बट यहाँ मैं सारी ट्रिक्स देख सकता हूँ, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये पॉन को भी मैं बाद में आगे चलकर अटैक करूंगा, वो भी अच्छे से। रुक एक्सचेंज हो जाए तो मजा आ जाएगा। ओके
चलेगा। चलो पहले मैं खेलता हूँ रुक, देखता हूँ कि एक्सचेंज करेगा क्या। ओके पॉन पर उसको अटैक करना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है तो जैसा ठीक लगे वैसा करे। रुक वापस, मेरे पॉन पर प्रेशर, उसके लिए तो मैं शायद रेडी था। अभी देखो मेरे पास मूव है कि मैं चेक दूं, किंग मोस्टली इधर आएगा, फिर चेक, फिर टेक, टेक इधर, तो मैं नाइट को रखता हूँ फिर बोर्ड पर। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है अभी यार। ओ, अच्छा आइडिया आया है मुझे। रुक, ये आइडियाज ना ऑन द बोर्ड मुझे नहीं आते, ये सॉरी ऑफ ऑनलाइन मुझे नहीं आते, ऑनलाइन बस कुछ तो खेलता हूँ फास्ट फास्ट फास्ट। ये था वो आइडिया। हाँ, दोनों पॉन्स अच्छे से प्रोटेक्टेड है। अब उसका ये पॉन ना बहुत ज्यादा डेंजर में रहेगा। अब मैं पहले तो दूंगा चेक, किंग आगे आएगा, आना जरूरी था। अब अगर मैं नाइट इधर खेलूं, आई थिंक वो किंग से अंदर आएगा। खेल देता हूँ ना, नहीं आया तो है तो सही ना, चांस तो है हमारे पास कि हम अटैक कर पाए, यही चांसेस तो है जो लेने हैं, यही चांसेस हमको क्रिएट करने हैं खुद के लिए। देखना पड़ेगा, रुक से फिर मैं अटैक कर पाऊंगा। रुक, फिर इधर बिशप उधर, तो उसने डिफेंड किया ना। ओके, दोनों का फोर्क हो सकता है क्या किसी, कोई बात नहीं। रुक वापस की जगह, अब नाइट को मुझे डांस करवाना पड़ेगा, नाइट का डांस। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि नाइट से 2 स्क्वायर दूर रखा जाए, लेकिन हाँ मेरे नाइट के लिए कोई कमी नहीं है। वो भी वैसे मैं भी कंफ्यूज हूँ, वो भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ एग्जैक्टली। अब क्या मूव्स खेलना बेस्ट रहेगा तो मैं भी नहीं जानता। कौन पुश? ओ, यहाँ मुझे शायद थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। चेंज ऑफ पॉन्स होगा ना अभी, पॉन्स का एक्सचेंज। बिशप से अटैक करेगा तो मैं एक्सचेंज के लिए भी रेडी हूँ। एक्सपेक्टेड मूव था, बट फिर एक किंग किंग खेलकर तो ड्रॉ हो जाएगा। पॉन को मुझे गिव अप नहीं करना है, तो पुश करना स्टार्ट कर सकते हो क्या? लेट्स से मैंने पॉन पुश कर आएगा, लेट्स से रूक फिक्स पॉन पुश, चलो करते, मरने दो पॉन्स। हम बनाएंगे क्वीन, क्वीन बनाने के लिए हम कर देंगे हर चीज का सेक्रीफाइस, ठीक है। बोल्ड गेम, बोल्ड गेम की तरफ जा रहे हो। डर गया ना भाई, भाई डर गया है वो कहाँ इतने हिम्मत से बोल्ड गेम खेले। कौन पुश? शुरू तो करना पड़ेगा, जो हमने डिसाइड किया है करना तो पड़ेगा ही ना। चेक,
किंग गया इधर, नाइट थ्रेटनिंग फोर्क, फोर्क का थ्रेट, अब क्या करेगा वो, और ये पॉन भी प्रोटेक्ट हो गया, मोस्टली वो बिशप हटाएगा आई थिंक, या फिर रिजाइन कर सकता है। हाई रेटेड ओपोनेंट को ऑन द बोर्ड हराने में मजा ही अलग है, है ना, अगर मैं हरा पाऊं तो। बट ऐसा लग रहा है कि ये गेम कर सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा क्लोज हूं मैं विक्ट्री के। ओ इधर क्या खेलना होगा, कोई मूव अचानक वर्क ही नहीं, मुझे मेरा नाइट यहाँ चाहिए, एक दो तीन, मारेगा क्या वो, मार भी सकता है, नहीं मारेगा क्या, कौन को देखते हैं, लेट्स सी वो तो उसकी जान लगाएगा उसे रोकने के। अरे एक और वे था, मैं रुको यहां से भी तो अब अटैक करना शुरू कर सकता हूँ, बेस्ट रहेगा ऐसा लग रहा है। देखो भाई डिफेंस भी आप लोग सीख लो, कितने अच्छे से डिफेंड किया जा सकता है गेम को अगर मन में ठान ली जाए तो। भाई ऐसा ना हो कि मैं सारे पॉन्स दे दूं और खुद लॉस हो जाऊं। चलो बिशप पर प्रेशर, किंग टेक साइड की तरफ से, ये गेम पलट ना जाए, ये एक डर है। चेक, ड्रॉ तो हो ही सकता है क्योंकि अगर मैं पॉन पुश करूं और रूक इधर खेलेगा, टेक्स पॉन टेक्स के बाद अभी तो ड्रॉ ही लेना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा डिफेंस मार दिया उसने, तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा डिफेंस हो गया है वो क्या ही करे, अब देखते हैं वो क्या करेगा, रिस्क लेगा क्या करेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उसको। ड्रॉ करना पड़ा एक अच्छे ओपोनेंट के साथ, थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी कम था लास्ट में, तभी चलो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हुए, चेक करना पड़ेगा इस गेम को बाद में, रिव्यू में कर लूंगा फिर उसके बाद चेक किया जाए। होप आप लोगों को मजा आया होगा गेम देखने में, ऑन द बोर्ड कैसे खेला जाता है और किस तरीके से गेम पलट भी सकता है किसी भी समय। ओके चलो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।